So hey everyone, welcome back to my YouTube channel Jyotishree Mahato. So guys, कैसे हैं आप लोग? I hope आप सभी जो बहुत अच्छे होंगे. ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप लोग जो है गर्म कपड़े पहनिए और ठंडे से थोड़ा बच के रहिए. सृष्टि मुझे कहीं घुमाने लेके जाने वाली है. हाँ, दुर्गा डैम लेके चल रहे हैं. तो रांची में ऐसे घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत है, बट सारा बंद है. हाँ, अभी पार्क जो है सारा कुछ बंद है और वाटरफॉल भी बहुत सारा है. जैसे रांची झारखंड, तो झारझंगल पानी पहाड़, हार्ट ऑफ झारखंड रांची है. तो यहाँ घूमने का ऐसे बहुत सारा जगह है, लेकिन अभी जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो अभी सारा कुछ बंद है, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाएंगे. तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दुर्गा डैम जाइए जाइए, ब्लॉग बनाइए. तो सुबह से जो इतना मौसम खराब किया हुआ, हम लोग सुबह से बैठे हुए थे कंबल में, बस घुसे रहते हैं. अभी जाके सोचे कि नहीं चलो घूम के आते हैं, इसलिए जा रहे हैं. तो ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है. अच्छा, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आएगा तो, और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा. तो चलिए हमारे साथ ध्रुवा डैम. सो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो चुके हैं और सिस्टी यहाँ पे रूम बंद कर रही है और हम निकलेंगे अभी ऑर्डर लेने के लिए. तो चलिए हमारे साथ ध्रुवा डैम. अभी हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो आएगा तो हम लोग जाएंगे. तो हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं टाटा टोली. हम लोग कांटा टोली चौक आ चुके हैं. यहाँ से रोड उस पार जाके हम लोगों को ध्रुवा डैम के लिए ऑटो मिलेगा. ये रांची का ध्रुवा बस स्टैंड है, आगे वहाँ पे ऑटो खड़ा है, वहाँ से हम लोगों को अब ध्रुवा डैम जाना है. गाइस, फाइनली हम लोग जो है ध्रुवा डैम पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग ऑटो से उतरे ही है और अभी थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं, फिर आप लोगों को आगे ही है, आगे जाके दिखाते हैं. और ये क्या है? मैं बताऊँ, फर्स्ट टाइम आए तो ये कुछ है, हम जाके गेट में कुछ लिखा हुआ है, जाके पढ़ के बताते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है जुडिशियल एकेडमी झारखंड. सो गाइस, फाइनली जो है हम लोग ध्रुवा डैम पहुंच चुके हैं और वेदर इतना अच्छा, रोमांटिक मतलब वेदर है. और इधर एक भगवान, हम दौड़ के आ गए उस टाइम पर देखिए, और पीछे से हम लोग बहुत दूर से चल चल के आ रहे हैं. सृष्टि, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, हम तो फर्स्ट टाइम आए, यही रहते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम आए. और हम भी इस जो रूट से हम कभी नहीं आए, उधर एयरपोर्ट से उधर एयरपोर्ट गए बहुत बार, लेकिन इस रोड पे कभी नहीं आए, इसलिए मैंने जो थोड़ा ज्यादा रोड वोड दिखा दिया कि हम लोग अगर जो नए हैं वो देख सकते हैं. विधानसभा उधर विधानसभा है. हाँ, दिखा दो वो देखो. अभी जो है थोड़ा बादल की वजह से पता चला उधर विधानसभा है. व्यू देखिए, वाओ, आज सृष्टि मस्त व्यू देखिए. हाँ, कितना अच्छा लग रहा है. एक हम लोग ऐसे मास्क, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा सा मास्क हटाएं फिर लगा लेंगे, अभी कोई है नहीं, पुलिस नहीं है. We'll be right back.
ही मतलब बोलते हैं ना पीसफुल प्लेस, बहुत अच्छा है और वेदर बहुत सुंदर है, बहुत कोई इधर घूम रहे तो हम लोग इधर अलग से हैं और इधर ही लोग फोटो क्लिक कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा व्यू का थोड़ा मजा लेते हैं, सनसेट नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा बादल किया हुआ है। चलो मेरा हम लोग जैसे रूम से निकले पूरा बादल, मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने लगा था, फिर आते आते जब बारिश छूट गया तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। तो हम लोग जो है थोड़ा सा नीचे आए हैं पर बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत गहरा पानी है, और उधर मछली भी दिखा अभी हमको, और ये लोग अभी फोटो क्लिक करवा रही है, हम लोग भी बहुत सारा फोटो क्लिक करवाए। तो सारा फोटो जो है इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, फॉलो कर लीजिए जल्दी से। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मुझे ऐसा प्लेस जो है बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा व्यू था और हम लोग ने बहुत सारा रील्स बनाया है और फोटोग्राफ्स लिया है, और अब जो है बारिश फिर से स्टार्ट हो गया इसलिए हम लोग अब निकल रहे हैं, शाम भी होने को है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, लास्ट टाइम देखिए व्यू, देखिए इधर गिर रही है, बहुत ही मस्त व्यू है। तो चलते हैं अब हम लोग घर, खैर वापस। देखिए कैसा रास्ता है, फोन नहीं गिरना चाहिए, चढ़ गए हम चढ़ गई। रोड भी है बहुत ज्यादा, हवा भी ठंडा लगेगा, ठंडा लग रहा है, जा रहे हम लोग अब ऑटो पकड़ने के लिए। आज बादल छाया हुआ है, वो आज तो कुछ अलग ही व्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उस दिन तो सनसेट दिखाए थे, आज बादल क्या है तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है ऑटो यहीं पे, ऑटो से यहीं पे हम लोगों को छोड़ा था, और फिर इधर से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। ये पहले पार्क था, अब पुराना हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक दो फोटो लेंगे, थोड़ा सा इसको पूरा ठंडा मार दिया है।
करने लगे हैं या फिर थोड़ा सा आग मिल गया तो वहाँ पे रुके हैं और चाय पी रहे हैं। बहुत मतलब मजा ले रहे हैं, बहुत मजा है। मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा। चेस चाय के बिना हम लोग का ट्रिप अधूरा रहता है। चाय पी ली, हम निकलेंगे, ऑटो आएगा। तो हम लोग जब वहाँ पे चाय पीने के लिए थोड़ा सा रुक गए तो थोड़ा शाम हो गया, तो शाम के टाइम यहाँ पे जो है ऑटो जल्दी मिलता नहीं है, मिलता है थोड़ा लेट से मिलता है, तो थोड़ा सा ही आगे में जाके जो है मिल जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं। और इधर देखिए जो जुडिशियल एकेडमी झारखंड है उसका मेन गेट इधर है, और जो हम लोग उस साइड दिखा है वो जो है वो पीछे का रास्ता था। तो अभी चलते हैं फिलहाल ऑटो लेने के लिए, सीएसटी पीछे पीछे आ रही है। रांची का बिरसा मुंडा चौक है। सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वो रांची का फायर स्टेशन का हेड ऑफिस है। सृष्टि के पापा यहीं जॉब करते थे। ये रांची का ओवर ब्रिज है, इसे देख के हम लोगों को जो है कोलकाता का याद आता है। हम लोगों को जो है बहुत जोर से भूख लग गया था, बीच में हम लोगों को कैफे दिखा तो हम लोग यहाँ रुक गए। So guys, finally, अभी हम लोग आ गए KFC और ये पार्टी देगा, पूरा पॉकेट खाली कराना है। ठीक है चलो ऑर्डर करो ना। ठीक है आइए। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। इधर देखिए ना, एक बार ऑर्डर देते हुए कुछ बोलेंगे। थोड़ा सा जो है अंधेरा हो गया, इसलिए हम लोग पार्सल करवा लिए हैं। और क्या क्या लिए है वो आपको रूम में जाके दिखाएंगे। तो देखिए अभी हम लोग KFC के बाहर ही है, तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं रूम, ऑटो लेते हैं। हम लोग आ गए हैं अपने रूम वापस, और अब हम लोग खाएंगे जो लाए हैं KFC से। और बहुत ज़्यादा मज़ा है, हम निकालते हैं दिखाते हैं क्या क्या लाए। तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत ज़्यादा तुमको अच्छा लगा? बहुत मज़ा आया, फर्स्ट टाइम करते हैं। हाँ मतलब हम तीन ही को एक थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्ती की। पर ज़्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि मतलब शाम हो गया था ना, इसलिए हम लोग जल्दी से वापस आ गए। तो बस अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो लास्ट में कुछ मीठा तो बनता है, इसलिए हम लोग अब खा रहे हैं रसगुल्ला। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हम लोग। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कॉमेंट करके बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।